हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। आपको ये बता दें कि ये एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और हर वर्ष इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए तो आइए हम अच्छे बहुत ही साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, तो आपको पता है कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 17 रखा गया, जो अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए रखा गया था। फिर आया हमारा 1955 में आया अस्पृश्यता अपराध जनित अधिनियम। यह क्रमांक 1955 का 22 है। प्रथम संस्करण इसका 1 नवंबर 1970 को दो भाषाओं में प्रकाशित हुआ, हिंदी और इंग्लिश। आपको यहाँ बता दें कि 8 मई 1955 को राष्ट्रपति द्वारा इसे पारित किया गया और द्वितीय संस्करण इसका 1 जून 1977 को आया। अब हम यहाँ इसकी धाराओं की बात कर लेते हैं। फर्स्ट धारा है जो हमारी है, जो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम था इसका संक्षिप्त में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। और प्रारंभ हुआ, ये लागू हुआ मतलब 1 जून 1955 को। धारा दूसरी है जो परिभाषा है, इसमें आपको बताएं कि टू का में सिविल अधिकार की परिभाषा। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निवारण कर दिए जाने के कारण या उपरांत जो अधिकार मानव को प्राप्त होते हैं वही मानव अधिकार कहलाते हैं। सिंपल मानव अधिकार, वैसे भी हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, जो किसी इंसान को इंसान होने के नाते मिलते हैं उसे ही मानव अधिकार कहते हैं। चलिए हम टू का की बात कर लेते हैं। इसमें होटल की परिभाषा दी गई है। टू खा इसमें स्थान, जैसे गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान, अन्य प्रकार के इसी तरह के अन्य स्थानों में। टू गा में लोक मनोरंजन स्थल, जैसे प्रदर्शनी है, तमाशा, खेलकूद, चलचित्र। और टू घा में है लोक पूजा स्थल, कोई भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थान जहां प्रार्थना की जाती हो। टू घा का में है बेहत, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा बेहत। चलिए अब आगे हम बात करते हैं टू घा खा, अनुसूचित जाति की परिभाषा अनुच्छेद 366 खंड 24 में दी गई, यही है। और यहाँ बता दें कि आर्टिकल 341 है जो, इसके तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल की सलाह से किसी क्षेत्र को घोषणा कर सकता है, उस मतलब अनुसूचित जाति वहाँ घोषित कर सकता है। टू डा है इसमें दुकान की परिभाषा दी गई, कोई भी व्यवसायिक स्थल। अब बात करते हैं हम धारा 3 की। इसमें धार्मिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड। धार्मिक स्थल में प्रवेश या जलाशय में स्नान या धार्मिक स्थान में प्रार्थना से रोकना। अस्पृश्यता के आधार पर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का अपराध करता है तो उस पर 100 रुपये से 500 रुपये जुर्माना और 1 से 6 माह की कारावास हो सकता है। यहाँ बता दें कि हिंदू माना गया है जैन, सिख, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज को माना गया है। बौद्ध को भी माना गया है। चलिए अब चौथे की बात करते हैं। चौथी धारा है सामाजिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड। सामाजिक नियोक्ताओं से मतलब यहाँ हमारा है दुकान, लोक उपहार या होटल या धर्मशाला या सराय में प्रवेश से रोकना, व्यापार या आजीविका से रोकना, सड़क, जलयान या जलाशय, स्नान घाट, शमशान आदि का उपयोग से रोकना, राजनिधि से पोषित स्थान या बस स्टैंड या ट्रेन का उपयोग करने से रोकना, धार्मिक अनुष्ठान, जुलूस, सभा में भाग लेने से रोकना, एससी की महिला को किसी को मतलब इस तरह के आभूषण या अलंकार के प्रयोग से रोकना। इस तरह का कोई अपराध करता है जाति और अस्पृश्यता के आधार पर तो उसे 1 से 6 माह तक की सजा हो सकती है और 100 से 500 रुपये जुर्माना होगा।
धारा पांच में देख लेते हैं, अस्पताल या शिक्षण संस्था छात्रावास में प्रवेश से संबंधित। तो इसमें बता दें कि अस्पताल या छात्रावास, शिक्षण संस्थान या अन्य संस्थान में अगर यहाँ का कोई अधिकारी या संस्थान वो प्रवेश में भेदभाव करता है या प्रवेश नहीं देता है अस्पष्टता के आधार पर, तो उस पर 1 से 6 माह तक की सजा होगी और 100 से 500 रुपये जुर्माना होगा। छठवीं देख लेते हैं, माल बेचने या सेवा देने से इनकार करना है। यहाँ बता दें आपको कि कोई दुकानदार है जैसे, वो अस्पष्टता के या जाति के आधार पर कोई वस्तु नहीं बेच रहा है उसे, या कोई डॉक्टर है वो किसी इसी के जाति या अस्पष्टता के आधार पर उसका इलाज नहीं कर रहा है, तो उस डॉक्टर या उस दुकानदार पर 1 से 6 माह की सजा हो सकती है, 100 से 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। साथ की बात कर लेते हैं, अस्पष्टता के संबंध में दंड का प्रावधान। यहां हम बता दें आपको कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 17 मतलब अनुच्छेद 17 के अधिकार से रोकता है या आर्टिकल 17 के अधिकारों के उपयोग के कारण घायल करता है या बहिष्कार किया या रोकना रोका या शब्द या संकेत से किसी को अपमानित करता है, तो उस व्यक्ति पर 1 से 6 माह तक का सजा हो सकती है, 100 से 500 रुपये जुर्माना। इसमें एक नोट है, आर्टिकल 17 अगर कोई व्यक्ति है जो जो आर्टिकल 17 का प्रयोग करता है और दूसरा व्यक्ति है जो बदला लेने के लिए अपराध करता है, तो इस दूसरे व्यक्ति पर 2 वर्ष सजा व जुर्माना लागू होगा। सात का कार्य देख लेते हैं, या विधि विरोध अनिवार्य कार्य करवाना। विधि के विरोध कोई अनिवार्य कार्य करवाना, जैसे झाड़ू लगाने, सफाई करने, जानवर या शव उठाने या इसी तरह के अन्य अपराध कार्य करते हैं के लिए बाध्य करता है, तो जो व्यक्ति बाध्य करेगा उस 3 से 6 माह तक की सजा होगी, 100 से 500 रुपये जुर्माना। धारा 8 देखते हैं, कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द होना। कोई व्यक्ति अगर दोषी सिद्ध होता है तो व्यापार वृत्ति या लाइसेंस का रद्द कर सकते हैं। धारा 9 देख लेते हैं, सरकारों द्वारा द्वारा दिए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन। अगर सरकार किसी संस्था को या निकाय को अनुदान देता है या भूमि देता है या धन देता है, तो न्यायालय के आदेश से वो इस तरह के अपराध करती है वो संस्था या वो अस्पष्टता के आधार पर या जाति के आधार पर, तो न्यायालय आदेश दे सकता है सरकार को कि वो भूमि या धन पुनर्ग्रहण या निलंबन कर ले। अब धारा 10 देख लेते हैं, अपराध का दुष्पेषण या दुष्पेषण का अर्थ तो है मतलब हम किसी को उकसाते हैं अपराध के लिए, जैसे हम किसी व्यक्ति को इस तरह के अपराध करने के लिए उकसाते हैं या उसकी किसी भी तरह से हम उसकी मदद करते हैं इस तरह के अपराध करने के लिए, तो जो अपराध उस व्यक्ति पर चलेगा वो है मुझ पर भी चलेगा। चलिए अब धारा 10 का देख लेते हैं, सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। यहाँ बता दें आपको कि कोई समूह है वो इस तरह के अपराध करता है जातीय अस्पष्टता के आधार पर, तो समूह पर सरकार जुर्माना लगा सकती है। चलिए अगली देखते हैं, 11 पश्चातवर्ती दोषों अपराध करने पर सजा। पश्चातवर्ती का अर्थ होता है यहाँ कि मतलब दोबारा कोई अपराध करता है, एक बार अपराध कर चुका है फिर वो दोबारा अपराध करता है इस तरह के, तो दूसरे अपराध पर उसे 1 6 से 12 माह की सजा होगी और 200 से 500 रुपये जुर्माना होगा, और तीसरे बार अपराध करता है तो 1 से 2 वर्ष की सजा होगी, 500 से और 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अब 12वीं की धारा 12 की बात कर लेते हैं, कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा। उपधारणा मतलब अनुसूचित जाति के विरुद्ध इस तरह के अपराध किए जाते हैं, तो न्यायालय ये मान के चलेगा कि ये अस्पृश्यता जनित अपराध है। धारा 13 में दिया गया सिविल न्यायालय की अधिकारिता की सीमा। मतलब सिविल न्यायालय इस तरह के कोई भी बाद या डिक्री या आदेश नहीं देगा जो अस्पृश्यता को मान्यता देता हो। 14 की बात करते हैं, धारा की कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने, मतलब अगर कोई कंपनी अपराध करती है इस तरह की अस्पष्टता के आधार पर मतलब,
तो संचालक, प्रबंधक या भारधारक अपराधी माने जाएंगे। अब आते है। हैं 14 का, 14 का सद्भावना का पूर्वक कार्यवाही संरक्षण। यहाँ सद्भावना पूर्वक का अर्थ है लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण के लिए कोई काम करता है, उससे अपराध, इस तरह के अपराध उत्पन्न होते हैं, तो सरकार पे, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार पे कोई कार्रवाई या जुर्माना नहीं किया जाएगा। अब 15 की बात करते हैं, अपराध संज्ञेय, मतलब संज्ञेय का मतलब होता है गंभीर, गंभीर है? और ये रहता है हमारा वो गैर जवान, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें 3 माह से ज्यादा, 3 माह तक की सजा का को मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट देखता है, और 3 माह से मतलब ज्यादा वाली सजा को विशेष न्यायालय देखता है। चलिए अब हम बात करते हैं 15 का, अस्पृश्यता का अंत करने से उत्पन्न अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य। तो यहाँ आपको पता नहीं कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि पीड़ितों को मदद को सहायता दें, या अधिकारों अधिकारियों की नियुक्ति करें, इसमें जो मतलब वो देखते हैं अस्पृश्यता, मतलब इस तरह के अपराध देखते हैं, इस तरह के अपराध, अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना करें कि शीघ्र विचारण करें, मतलब इस तरह के अपराधों को जल्दी निपटाएं, जांच समितियों का गठन करें, राज्य सरकार का ये सब कर्तव्य है। 15 का 4 में केंद्र सरकार द्वारा संसद के पटल पर प्रति वर्ष रिपोर्ट के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की सुगमता और सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया जाए। संसद के प्रत्येक मतलब हर वर्ष संसद के पटल पर राज्य सरकारों द्वारा मतलब अधिनियम लागू हो रहा है, मतलब इसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि कोई कमी तो नहीं है, कोई व्यक्ति इस तरह से अपराध से परेशान मतलब तो नहीं है, सुविधाएं नहीं मिल रही। ठीक, अब 16 की बात कर लेते हैं। अधिनियम 16 धारा में अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोपण करेगा। अर्थात यह मतलब है इसका, हर परिस्थिति में इस यह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, मतलब समझे, ये सब नियम से ऊपर माना जाएगा। अब 16 का में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा। 1958 में वाला, 58 वाला 14 वर्ष से अधिक वाले आयु वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में है कि सजा से छूट, मतलब या किसी तरह का अपराध कोई करता है, जैसे वो 14 साल से कम का है, या मतलब मंदबुद्धि का है, तो छूट दे देते हैं इसके तहत। तो ये 14 वर्ष से आयु वाले वाले ज्यादा वाले व्यक्ति पर ये लागू नहीं होगा इस अपराध में, इस अधिनियम में। 16 का खा देखते हैं, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की। नियम जो भी मतलब इस अधिनियम में नियम बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, और 30 दिन के अंदर वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी इस तरह के अधिनियम को, नियम को। अब है अपना 17 का निरसन। यहाँ निरसन का मतलब बता दें, अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों जो अधिनियम के प्रावधान के समान या विपरीत हैं, तो धारा 17 के द्वारा इन सभी को हटा दिया जाएगा। चलिए तो दोस्तों, आज हमने देख लिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अगले में हम वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989 देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं।